वहाँ से यू मुंबा के फेवर में ज़्यादा मैच चलाया, लेकिन लड़कों ने बहुत अच्छा खेला भी। एक टाइम ऐसा आ गया था कि मैच फिर गुजरात की फेवर में आ गया था। सो जो सरदार जी ने रेड की है, चार पॉइंट लेके गया, मेरे को लगता है कि वो विनिंग मूवमेंट था, क्योंकि जब चार पॉइंट आपकी कोई रेडर ले जाता है तो वो मुश्किल हो जाता है फिर दोबारा मैच में आना। लेकिन कोशिश जारी रही, लड़कों ने जितना एफर्ट किया है इस मैच में बहुत कुछ सीखने को मिला है कि कहाँ पे हमने ज़्यादा चूक कर दी। सो अगले मैचों में उसको ठीक करेंगे। सुनील, आज एडवांस टैकल थोड़ी ज़्यादा हो गया आपके, क्या था प्रॉब्लम है डिफेंस? हाँ, ये गलती रही कि उन्होंने हम पर अटैक नहीं किया, हम उन पर अटैक करने चले गए और एडवांस कैच लगाने के उसमें हमने ज़्यादा पॉइंट रेडर को दे दिए, इसी गलती की वजह से हमने। कोच, जितने भी गेम्स अभी तक हुए हैं तो जब हम देखते हैं कि जो बैक टू बैक खेलते हैं, मतलब दो लगातार दिन पे खेलते हैं, तो जो सेकंड गेम होता है उसमें परफॉर्मेंस थोड़ी सी हमेशा डाउन रहती है, तो कितना मुश्किल होता है दो लगातार दिन पर खेलना? देखो, इस प्लेटफॉर्म पे बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप हारने के लिए तो खेलते हैं, जाहिर सी बात है, तो जीतने के लिए खेलते हैं। जब आप एक आज किसी यू मुंबा के साथ खेले, कल आप हरियाणा दिल्ली के साथ खेले, सो दोनों डिफरेंट टीमें हैं, सो बहुत मुश्किल हो जाता है सभी टीमों के लिए, खाली गुजरात के लिए। मैच टू मैच, लेकिन प्रो कबड्डी का मजा भी वही है। सो आप जब कंटिन्यू विन करते हो या फिर डेली मैच खेलते हो, परफॉर्मेंस अप डाउन तो प्लेयर की हुई। जब 18-10 हो गए थे और जब आपका पहला रोना लगा था, तो उसके बाद आपने 5 लगातार पॉइंट लिए टीम ने और उनको सिर्फ 2 पे रख दिया था इस पे मैच पे, तो आपकी जब पिछले गेम में भी अगर आप देखेंगे तो जब फर्स्ट ऑल आउट हुआ था उसके बाद आप काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो मतलब एज अ कोच आप कितना खुश है कि आपकी टीम हमेशा रिस्पॉन्ड करती है जब ऐसा ऑल आउट हो जाता है? देखो, हार जीत तो खेल का हिस्सा है, एक टीम जीतने की हारेगी, उसको छोड़ के अगर आप मैच की बात करें तो गुजरात ने बहुत अच्छा मैच खेला है। एक टाइम ऐसा भी आ गया था कि अगर वो सरदार जी की कैच हो जाती वहाँ में श्रीधर की, तो मैच गुजरात 100% विन कर सकता था। लेकिन ठीक है, खेल का हिस्सा है, वो ही हमारी स्ट्रेटेजी कि जल्दी रेड पे भी पैंट लेके आना है और यहाँ पे जो रेडर नहीं है उसकी वॉक लाइन पे खेलना है और जल्दी पकड़ना है रेडर को, तो वो टैकल हो जाता तो शायद मैच जीत सकते। यू मुंबा की साइड से आपको कौन से प्लेयर ने सबसे ज्यादा इंप्रेस किया आज के दिन? पूरी यू मुंबा की फुल टीम। सर, आपका रेडिंग आज इतना चला नहीं, आपको ज्यादा पॉइंट, 6-7 पॉइंट आए गए, और सचिन का 2 मैच से फॉर्म थोड़ा खराब, कितना थोड़ा चिंताजनक है आपके लिए? चिंता की कोई बात नहीं, प्लेयर बहुत होता है कि कंटिन्यू मैच खेलने में या फिर किस चीज में परफॉर्म ना करें, सो भी जो अगले आप मैच देखोगे उसके अंदर और भी अच्छा करेगा, हो जाता है प्लेयर के साथ, उसका दिन नहीं होता है। सो एक ही मैच में परफॉर्म ना करने से, जो उसने पीछे 40-50 मैच खेले हैं, ये डिसीजन लेना कि वो उसकी परफॉर्मेंस हम उसको कैसे देख रहे हैं, शायद वो नहीं अच्छा, कम से कम 10-12 मैच रखते हैं प्लेयर को और वो धीरे 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 मैच बाई मैच अप करेगा। सर, 100% नहीं, अभी इससे भी ज्यादा उम्मीद है, लेकिन ऐसे ही अगर धीरे धीरे मैच मैच ही खेलते गए तो बिल्कुल आगे 100% भी होगा। और कुछ सवाल है, आखिरी दिन आपने तो मुंबई को हिला दिया, आपके डिफेंस और आपका अटैकिंग दोनों जबरदस्त था, और आज ऐसा क्या जादू कर दिया आपने टीम पे? लास्ट टाइम तो आप सिर्फ डिफेंस पे रहे, आज तो आपके रेडर और दोनों चले हैं। सबसे पहले दोनों टीम मतलब डिफेंस ही थी, दोनों में डिफेंस अच्छा था दोनों टीम का, और मेन जो पॉइंट था, अगर जिस टीम को भी पहला रोना लग जाता उसी टीम के आ जाता, तो जो ये इतनी लीड हुई है फर्स्ट रोना देने के बाद वो फिर ऑटोमेटिक पॉइंट आ गया, अगर वही रोना उस टाइम हमारे लग जाता तो हमें भी मुश्किल था उस टाइम, फिर रेडर को ऐसे पॉइंट नहीं मिलते, तो वही जगह सुरेंद्र निकल के आया वहां तक भी मतलब मैच ये नहीं कह सकते थे कहां हो जाए, लास्ट टाइम भी ऐसे जब 2-3 बचे अगर वहां पे सुरेंद्र की भी कैच हो जाए तो भी मैच को ये नहीं कह सकते कि हमारे पे होगा, तो बाद में एकदम से अपन साइड हो गया। कोच सुरेंद्र को रेड पर भेजने का डिसीजन किसका था?
प्लान में वैसे नहीं था रेड के, रेडर के हिसाब से वो हमारा फर्स्ट रेड था। उस रेड के बाद हम मतलब दूसरा रेडर सब्स्टिट्यूट करने वाले थे। उस टाइम डिफेंस था, डिफेंस में उनको तीनों को रखने का था, और उस टाइम वो अचानक वो सिर्फ सेफ डिफेंसिव रेड करने के लिए गया था, और उनका एकदम उनके दिमाग में आके वो रेड नहीं करता, जबकि वो अपने लोकल में रेड करता रहता, और उसका वो बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। वहीं से उन्होंने जो उस पर अटैक किया अननोन रेडर समझ के, तो वही सबसे बड़ा फायदा रहा। आज आपकी जो डिफेंस थी वो काफी अग्रेसिव थी स्टार्टिंग से उनके लीडर्स के अगेंस्ट, तो ये आपका गेम प्लान था कि उनके लीडर्स को अटैक करना है? हां सर, बिल्कुल यही था हमारे। अगर इधर से डिफेंस से अगर पॉइंट जाते जाना तो उधर से हम इतना ये उम्मीद नहीं थी लीडर हमारे इतने पॉइंट ला सकते। यही था फजल को भी संदीप को भी हुआ, अगर हमारे इधर से उनस और रेडर कोई भी पॉइंट ले जाएगा तो समझ लो हार गए, तो इधर से पॉइंट देने का मतलब ही नहीं। रोहित और अभिषेक मेन लीडर्स है, अभी सुरेंद्र में आ जाएगा तो उसमें नहीं सर, वो आज के लिए था ऐसा कुछ नहीं वो, और वो भी रेड में उस पे बोनस भी नहीं था, सिर्फ उनके वो अटैकिंग लाइन पे जो लिया उन्होंने वो उनको उस टाइम पॉइंट की जरूरत थी, जैसे लास्ट में अभी ली को भी ऐसे ही मिले उस टाइम उनको जरूरत थी, हम वो रेडर उस टाइम डिफेंसिव था तब पॉइंट मिले। आपका प्लेयर को आज स्टार्टिंग में खेला तो उसका उसके प्रेजेंस से कितना डिफरेंस पड़ा है? सब बिल्कुल फर्क पड़ा, वो एक अटैकिंग नहीं है एक डिफेंसिव कवर खेलता है, उसने ज़्यादा अटैक नहीं किए, फिर उसने अच्छा वो नीचे दिखाता है और सिर्फ अपनी तरफ रेडर को ले गया तो दूसरे की कैच उसमें आसानी से बन सकती है, उसी का फायदा। Fazel, how important was this win to finish the home leg on a high? Every match is important, but this one was more important because we are in the home leg and we lose it two matches. We were unlucky in last few matches and we learned from last few matches and tonight we were good. And it was important because if we lose again on three match continuously, this is a month before your team and this is like your confidence is coming down. But now it is like again we come back to the league and now I think in next match we will go with more energy because of tonight we win. Today you are celebrating every point a lot more today. You after every point you're celebrating with the team, and so what was it? Was it because it was against your former team, or what was it? Like it must be, it is like one secret is you give to your players energy, like that you should fight. It is like this, and when you are like some celebrity, they are like, okay, next move we do something like this. Do you think it was lacking last few games, the energy was a little less? Do you think last few games? Tonight our strategy was different. Like another match, for example last match, in a starting match we played a continuing raid also, but in defense we had some mistakes. But this match it was like 70% we played in defense and 30% in raid, and mostly do that. It was different than another match. And another match our red they are more mistake because like for example first red they tackle, second red they go inside. But this match we didn't have like this mistake. So I think our strategy with Gujarat was good because Gujarat also they believe in defense. They are first playing in defense. If our if their defense playing good, their leader also playing good. Fazel, there was that one particular super tackle that you and Young Chang were involved in. Before the Raider came in, you and Young Chang, you were talking a lot. What were the kind of things that you were talking before that? Who is a very good player and he is mind player. And I told him only because he's really good only for running on that. I told him only in Hindi, don't judge the tackles. I told him, go in the last
the last month under the belt, and he will listen to me very well. And this is a special thing in the book, and I think it was like much change. Yeah, Fazel, the top scorer today for U Mumba is Sardar Ji, 9 points. On court, what goes on in his mind? Any idea you have as your team, as captain and teammate? For Sardar? Yeah. You know our style, my style, Sanjeev style, and Sardar. We are three number. Everybody knows they are doing like advanced level. They are like little aggressive in the match. So only thing I like would surrender and do your style. Because if I tell surrender, not aggressive, only control like surrender is, I like one, he's calm. I told him, do everything you want. And he was more free. And he had mistake. But he also, I think 5 tackles, 6 tackles, I don't know. Five again. So it is a good 2 mistakes, 3 mistakes, but 5 also tackles. It is better than like only 1 tackle, but 2 mistakes. It's better, I think. Yeah, or this match was better. But maybe next might be again change something. The last question about Sardar, you played with a head injury. It was a very brave decision of him to play with the head. I don't understand. Can you tell me? He played with a head injury. It was a very brave decision of him to play. If you don't have an injury, you are not covered for that. I am telling you, everybody has injury. I have also. But I don't show to you, I don't show to another player. From another team, they also have injury. And your player, we know that somebody they have a shoulder injury and stuff, but we don't show them. But for surrender, it was clear on everybody. But everybody, all players, they have all, for example, I have a 4-5 injury, but nobody knows about it. We are Kabaddi player, and Kabaddi below injury is nothing. Okay, thank you. Welcome.